मैं चाहता हूं कि तस्वीर बदलनी चाहिए। सबसे पहले तमाम कोरोना वॉरियर्स को तहे दिल से धन्यवाद, जो असली हीरो हैं कोरोना की इस जंग में। साथ ही प्रदेश के तमाम अन्नदाताओं और भामाशाहों को दिल से धन्यवाद। अभी लंबी चौड़ी चर्चा हुई और कई वक्ताओं ने, माननीय विधायकों ने अच्छे अच्छे सुझाव भी दिए, लेकिन इस कोविड के साथ साथ में माननीय सभापति महोदय, एक ने इसको सुझाव तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी एक विनम्र आपसे अनुरोध है कि वरिष्ठ सदस्यों के लिए भी आप कोई सेमिनार या कार्यशाला का आयोजन जरूर करें, क्योंकि आज हम जैसे पहली बार प्रथम बार चुन गए आए हैं और कोरोना जैसे इस महामारी को लेकर और इस सदन में बहुत विस्तृत और गंभीर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन सुबह से लगातार जो माहौल यहाँ देखा उससे निश्चित रूप से बड़ी पीड़ा भी हुई है। मैं आपसे जरूरी निवेदन करूँगा, माननीय सभापति महोदय, 2 मार्च को शुरू में कोरोना इस प्रदेश में आया और आज 5 महीने और 19 दिन के अंदर 65,000 के पार इसका आंकड़ा चला गया। अभी माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने सारे आंकड़े पेश किए, अब रिकवरी रेट भी बढ़ी है, निश्चित रूप से एक शुभ संकेत है इस प्रदेश, देश और इस पूरी मानव सभ्यता के लिए। लेकिन इस आज जो स्लोगन जो कोरोना का जो चल के आ रहा है कि रोगी से नहीं हमें रोग से लड़ना है, काश ये साहित्य शुरू से उपलब्ध होता तो ये रिकवरी रेट और ज़्यादा बढ़ती। मैं इस कोरोना का, मुझे प्रैक्टिकल ज्ञान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब और नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल कोरोना जब पॉजिटिव आए, उसके बाद RUHS के अंदर वो 10 दिन एडमिट रहे, उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए एक परिजन के तौर पे, छोटे भाई के तौर पे मैं वहाँ हमेशा हाजिर रहा। माननीय चिकित्सा मंत्री जी बैठे हैं, इनको भी धन्यवाद कि डेडिकेटेड कोरोना सेंटर के रूप में जो RUHS को जो विकसित किया, ये निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। हम इस जो कोरोना की लड़ाई में, चाहे वो केंद्र सरकार में बैठे व्यक्ति हो या राज्य सरकार में बैठे व्यक्ति हो, और निश्चित रूप से विधायिका के साथ साथ वो तमाम कार्यपालिका के लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने बड़े संवेदनशील होके और इस कोरोना की जंग में इस कोरोना को हराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मैं, माननीय मंत्री जी विराजमान हैं और जब भी अपना उद्बोधन वापस दें जवाब, तो मैं ये चाहूँगा कि जो RUHS है उसके अंदर एक तो जो सिटी स्कैन, हाई स्लाइस सिटी स्कैन की बहुत बड़ी मांग वहाँ है, क्योंकि अभी सिटी स्कैन के लिए RUHS से SMS हॉस्पिटल जाना पड़ता है और पूरा मेडिकल प्रोटोकॉल से यदि आप वहाँ ले जाते हो तो वहाँ ऑलरेडी जो मरीज भर्ती हैं उनको भी बड़ी तकलीफ होती है। तो RUHS में हाई स्लाइस सिटी स्कैन और प्रत्येक जिला मुख्यालय पे ऐसे सिटी स्कैन की व्यवस्था का आप जरूर, मैं आपको सुझाव दूंगा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर। और RUHS में अभी SMS की फैकल्टी काम कर रही है, तो स्थायी फैकल्टी, क्योंकि हमने 3 साल के लिए उस डेडिकेटेड कोरोना सेंटर जो बनाए RUHS को, उसमें स्थायी फैकल्टी की मांग भी मैं माननीय मंत्री जी से करूँगा। माननीय सभापति महोदय, कई या माननीय विधायक जो डॉक्टर के पैसे से भी चुन के आए हैं, जब बुढ़ापे के अंदर कोई मर्ज को लेके हम डॉक्टर के पास जाते हैं तब वो पूछते हैं कि क्या आपको कोई बचपन में चोट तो नहीं लगी, ये कोरोना का बचपन है और इसके दुष्परिणामों में अभी बहुत समय लगेगा। निश्चित रूप से मानसिक रोगी भी बढ़े हैं, हर जगह आप देख लीजिए आत्महत्याओं जैसे गंभीर जो अपराध, जिसको मैं अपराध ही मानूंगा, कि व्यक्ति दुखी होके और आत्महत्या करता है, तो वैसी घटनाएं भी बहुत बड़ी है। तो ऐसे के अंदर आपको उचित ठोस कोई कदम सरकार से मैं आग्रह करूंगा। प्रथम लॉकडाउन के अंदर, क्योंकि WHO ने जो गाइडलाइन जो जारी की है या बार बार जो उनके जितने भी बुलेटिन आ रहे हैं उसमें यही कह रहे हैं, आने वाले दिनों में वायरस जनित बीमारियाँ ही बढ़ेगी, तो ये कोरोना जो है वो हमने बहुत कुछ सिखा रहा है, इसकी हमारी जो इस लॉकडाउन से लेकर और कोरोना के अंदर जो हमारी कमियां रही, उन कमियों को हम कैसे सुधारें,
ताकि आने वाले दिनों में और भी कोई हो सकता है ऐसा कोई वायरस अटैक करे, और उसमें हम, क्योंकि अभी निंदा हम माननीय प्रधानमंत्री जी की कर सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की कर सकते हैं कि चीन से आपने एयरपोर्ट बंद नहीं किए। मैं देखता आया लगातार, मैंने एक चीज़ महसूस की है कि बहुत सारे माननीय विधायक जब बैठे हैं, जो पहले विधायक थे, जो मंत्री थे, जो सत्ता के अंदर बैठे थे, उनके बच्चे भी बाहर कहीं चाइना कहीं रसिया वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको लाने के लिए हम भी प्रयासरत थे। अब हम चाहे दोष किसी को दें, लेकिन हम आगे ऐसी कोई व्यवस्था बनाएं कि आइंदा कोई ऐसी महामारी आए, भगवान ना करे आए, लेकिन जब भी आए तो उसका हम समय पे उस पे हम उपचार कर सकें, ऐसी हमें योजना बनानी है। मैं प्रथम लॉकडाउन की बात करता हूँ, माननीय सभापति महोदय, सरकार ने नोडल अधिकारी बनाए प्रवासियों के लिए, लेकिन अधिकतर नोडल अधिकारियों के टेलीफोन के स्विच ऑफ थे। मैं इसके लिए एक केरल के जो नोडल अधिकारी थे हमारे बीजू जॉर्ज जोसेफ जी, मैं धन्यवाद दूंगा उनको, जिनका एक मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा कि उन्होंने नागौर के एक ट्रक ऑपरेटर का, जिसका प्रथम लॉकडाउन के अंदर तेल खत्म हो गया, उसको उन्होंने यहाँ से टेलीफोन करके लोकल थाने की मदद से उसके अंदर तेल भराया, और उस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पे अपना जो वीडियो शेयर किया तो उसको 5 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जो लोग बैठे हैं, क्योंकि सत्ता के नाक कान आंख का काम यही लोग करते हैं, अभी कुछ वरिष्ठ विधायक भी कह रहे थे, लेकिन हम सब जिस दिन सच बोलने और सच सुनने का जब मादा पैदा करेंगे, उस दिन असली लोकतंत्र की बातें आएगी। और ये यदि होता तो एक बार आप और एक बार ये नहीं होता, इसलिए मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी के बड़े संवेदनशील होके, और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर सेक्टर जो है उसको आप मजबूत बनाएं, गांव-गांव तक एक डाणी के अंदर बैठे व्यक्ति को भी चिकित्सा सुविधा कैसे उपलब्ध हो, और किसानों को इस कोरोना की छूट के अंदर सब लोगों को छूट मिली है किसान के अलावा, तो किसानों के बिजली के बिल माफ़ हों, उनकी जो ब्याज का जो ऋण है, ऋण का जो ब्याज है वो भी माफ़ हो, स्थायी शुल्क वो हो, VCR के नाम पे जो लूट हो रही है उसको भी आप बंद करें। ये कुछ सुझाव हैं, और मैं लिखित में भी आपको सुझाव दूंगा कि संवेदनशीलता से और पार्टी की जो एक मेंटेलिटी है उससे ऊपर आके और सब लोगों को एक साथ लेके, और हमें इस कोरोना की जंग में मिलके इसको लड़ना है। इन्हें शब्दों के साथ एक बार पुणे में गणेश गोगरा धन्यवाद देता हूँ। माननीय सभापति महोदय, मुझे कोरोना वैश्विक महामारी के बारे में बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ।